सुप्रभात और नमस्कार दोस्तों, आज गांव में दूसरा दिन और गांव के अंदर दूसरे ब्लॉग की शुरुआत। मैं अभी जस्ट उठी हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गई उठने में, तो क्योंकि सोई भी लेट थी, ब्लॉग एडिट करना पड़ता है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे और ये देख लो सुबह का नज़ारा। गांव में सब लोग अपने काम में बिजी हैं, कोई खाना बना रहा है, कहीं चूल्हा जल रहा है, कोई पानी भर रहा है, तो कोई ना कोई, हर कोई अपने काम में किसी ना किसी तरीके से व्यस्त है। और मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो, ये देखिए छत में खड़े होकर के। तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। आज विचार है जंगल जाने का, लेकिन जा पाएंगे या नहीं वो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी मम्मी को भी कहीं जाना है, तो एक जाना चाहिए जो हम लोगों को वहाँ ले करके जाए। बाकी बहुत ही ठंड लग गई, मेरा गला भी जो है ना यहाँ पर बैठ गया, ठंड बहुत है यहाँ पर, रात को वो ज़्यादा ही ठंडा हो गया। नींद बहुत अच्छी आई लेकिन ठंड की वजह से कहीं ना कहीं मेरा गला जो है ना बैठ गया है। तो ये देखो इसमें क्या चढ़ा रखा है अपने, आलू बन लग रहे। ये तो वहां से लाए ना। चलते हैं। अरे पानी पानी किसने कर दिया है, कीचड़ कीचड़ कर दिया, हटो। क्या हुआ, क्या कह रहा है? मच्छी बन रहा। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, वे फ्रेश और रेड कलर के। तो क्योंकि आज है थर्सडे और साईं बाबा का दिन है, तो मैं पहले शुरुआत करूंगी आज के दिन की पूजा पाठ से, इसलिए मैंने येलो भी पहना है। और इसके बाद जाएंगे हम जंगल की तरफ, जैसे कि मैंने कहा था जंगल या कहीं भी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए और उसके बाद आप लोग। मैं जा रही हूँ जहाँ पर ये लोग गए हुए हैं और ये लोग मुझे बिना बताए चले गए, तो मैं भी भाग भाग के जा रही हूँ कि ये वापस ना आ जाए, क्योंकि मेरे को भी वहाँ पर फोटो खिंचवानी, वीडियो बनानी है। इसलिए कंडेली लगी जंगल लकड़ो था, हैं लकड़ी लकड़ी क्या जाना जाऊंगा वो लकड़ो को लेके। हाँ और कितनी देर में आ जाएंगे? आ जाना मन 1-1.5 घंटा मान। अच्छा ठीक है, अरे चलो 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 आज आपको मैं जंगल दिखाती हूँ जहाँ लकड़ियाँ काटते हैं। हाँ आ जा ऋषि। तो आज हम लोग जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, भाभी लेके जा रही है हमें, तो आगे चलेगी, मैं यहाँ बच्चों का वेट कर रही हूँ। ये देखो तरह से ऊपर सीधा। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते बोड़ी,
क्या बोल रहा था? है अच्छा दादी दादी को बॉडी तो बोलते ये आ रहे हैं पता नहीं सीमा भी पता नहीं चलते चलते और इसका वजन कम कराना मुझे ऋषि आपका फ्रेंड भी आ रहा पीछे इसको साथ लेके आए आप चलो जल्दी देखो मामी कहाँ चली गई तो दोस्तों आधे रास्ते तक हम लोग पहुंच गए हैं अभी आधा रास्ता और तय करना बाकी है तो मैं तो जंगल अपने गांव वाला जंगल पहली बार जा रही हूं और अपने साथ अपने बेटे को भी लेके जा रही हूं एक्चुअली हमसे गलती क्या हुई हम लोग थोड़ा सा ना लेट निकले हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि अभी क्या है ना सूर्य की रोशनी इतनी तेज़ हो गई है कि जिसकी वजह से थकान और गर्मी ज़्यादा लगती है वो तो राहत वाली बात ये है कि ठंडी हवा चलती रहती है बस थोड़ा दूर करते करते भाभी हमें काफ़ी आगे तक लेके आ गई हैं ये बस ये लास्ट पहाड़ रह गया इसको क्रॉस करके ही जो है जंगल आ जाएगा तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल में एंटर कर चुके हैं और इससे पहले स्कूल भी पड़ता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अच्छा ठंडा है जिम्मी और वो भी आ रहे यहाँ पर लायन का खतरा है जल्दी चलो अंदर दोस्तों यहाँ पर हमारे पीछे ना दो यहाँ के भूटिया कुत्ते जो होते हैं वो भी आ रहे थे आधे रास्ते तक आए उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए मेरे ख्याल से वापस चले गए होंगे तो अभी देखो हम लोग कितना आगे तक जाते हैं आग लगा रखी किसने यहाँ भाभी लोग तो चले गए हैं और ऊपर लकड़ियों के लिए लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ क्योंकि हम लोगों को कहीं और भी जाना है तो वो लकड़ियाँ लेकर के जब आ जाएंगे अगर मुझे दिख गए तो मैं उनकी वीडियो डाल दूँगी कि वो कितनी लकड़ी लेके आए हैं बाकी देखते हैं थक गए अभी मैं और मेरा बेटा अकेले जा रहे हैं रास्ता हमें पता चल ही गया है ये स्कूल है यहाँ का लंच ब्रेक चल रहा है लगता है बच्चों का ये देख यहाँ से कहाँ से कहाँ तक ये स्कूल हेलो कौन सी क्लास में हो नाइन ट्वेल्थ तक है स्कूल कि टेंथ तक छुट्टी हो गई नहीं अभी नहीं हुई ये देख हेलो बच्चों चलो हंस रहे हैं पता नहीं हम पे हंस रहे हैं या किस लिए हंस रहे हम गलत रास्ते से आए ऋषि आप पता नहीं कहाँ यहाँ से थोड़ी आए थे हम लोग क्यों आ रही है हंसी हंसी क्यों आ रही है हमें देख के आज मैं जल्दी खाना बना रही हूँ तो मैं रोटी प्रेफर करती हूँ चूल्हे में बनाना खासकर गांव में ये देखो सीमा वहाँ ने कपड़े धो रही है और मैं यहाँ अभी रोटी बना करके फ्री हो जाऊँगी फिर आराम से ये देखो मेरी बनाई हुई रोटी है ना मेरे अंदर सकूर और ये इसको देखते हैं देखो बाहर का नजारा देखो रात का खाना खा लेने के बाद अक्सर हम लोग यहाँ पर अपनी नीम दरी के बाहर
बैठ जाते, बातें बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंड वाला फील आता है आग वगैरह जला करके, और ये पहाड़ों का सुंदर जो नज़ारा है। और फिर एक बात मेरे ध्यान में आई कि क्यों ना इस इतना सुंदर व्यू है और सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से क्यों ना हम लोग एक रील और वीडियो शूट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर सीमा ने अपने लिए रील बनाई, तो उसने हिंदी गाने पे बनाई है, और इसके बाद मतलब सिचुएशन से मैच करती हुई ही बनाई है, पहाड़ों और चांदनी रात और आग के साथ। और इसके बाद मैंने बनाई थी अपनी रील, ये देखो जो आप देख रहे हो ना, ये वाली। और हाँ, इसका जो फाइनल रील है वो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपनी इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और लेटेस्ट रील मैंने यही पोस्ट की हुई है, तो आप लोग देख लेना, गेस करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कौन से गाने पे ये वीडियो शूट किया हुआ है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, शेयर भी कर दें हो सके तो, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप दोबारा जल्द ही मिलूँगी आपसे फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर और बाय बाय।